हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एक फैक्ट्स फॉर टैग टैब। फ्रेंड्स, एक फैक्ट्स के टैग टैब में आज हम जिस पॉइंट्स को लेकर आए हैं वो रेडमी नोट 7 प्रो है, जिसका क्रेज हम लोगों ने बहुत देखा है, जिसको बहुत हर एक के अगर किसी के आज पास चले जाओ तो चार लोगों में से एक के पास रेडमी जरूर होगा, एक के पास एमआई का मोबाइल जरूर होगा। एमआई इतना फेमस हो गया है इंडिया में, उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई इंडिया में। तो रेडमी भी अपने नए नए फीचर्स मोबाइल लेके आता है, फीचर्ड मोबाइल, इसीलिए रेडमी नोट। हाँ गाइस, एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसे दबा देना और एक घंटी सी आएगी उसे उस पर किक मार देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम Redmi Note 7 Pro के कैमरे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उसका कैमरा जो है वो 48 प्लस मेगा पिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा आपको, जो Redmi Note 7 के जैसा ही होगा। लेकिन उसके सेंसर की बात की जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा उसका सेंसर। आप उसका सेंसर देखते ही आप उस पर मग्ध हो जाओगे, ऐसा उसका सेंसर, क्योंकि उसका सेंसर है वो जो सोनी MX586 का सेंसर है, जबकि रेडमी नोट 7 में सैमसंग GM1 का सेंसर था, जबकि सोनी MX586 का सेंसर सैमसंग GM1 के सेंसर से बहुत ज़्यादा बेटर है, इसलिए आपको बहुत मज़े आएंगे फोटो लेते हुए और वीडियो बनाते हुए। और दूसरी बात की जाए तो उसके स्नैपिंग में 75 का परसेंट देखने को मिलेगा, जो 48 प्लस मेगापिक्सल का बना होगा। और उसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 4000 mAh उसकी बैटरी बैकअप होगा, और उसमें आपको AI बोर्डेड मोड देखने को मिलेगा, VIP मोड देखने को मिलेगा आपको। उसमें बहुत सारे मोड होंगे, बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा फीचर होंगे जो आपको फ़ोन चलाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपको बहुत इन्जॉय भी देंगे, क्योंकि ये Redmi Note 7 से बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसके जितने भी पीछे वाले, मतलब Redmi के जितने भी सारे मोबाइल्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब अपडेट करा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है मोबाइल ये। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, क्योंकि इसमें एक ही कैमरा है, बिकॉज इसमें वाटर ग्लास है जो आपको पूरी मोबाइल की पूरे मोबाइल की सिक्योरिटी प्रदान करता है ये वाटर ग्लास। आपका मोबाइल चाहे गिर जाए, चाहे कहीं भी दब जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा मोबाइल में आपके, इतना मजबूत होता है ये वाटर ग्लास। और जो Redmi Note 7 था उसमें 20 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, फ्रंट कैमरा था, जबकि इसमें 13 मेगापिक्सल का सिर्फ एक कैमरा है, उसमें दो कैमरे थे। और लेकिन इसके प्राइस की बात करी जाए तो इसके प्राइस अभी तो चाइना में जो है वो 999 UN है, UN के चाइना का ही, मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है ऐसे ही वहाँ पे UN चलता है, जो हमारे यहाँ बनते हैं 10,000 रुपये के बराबर। 999 UN कितने के बराबर बनते हैं? 10,000 रुपये के बराबर बनते हैं। तो वहाँ पे प्राइस कितने? 10,000। लेकिन जो इंडिया के प्राइस हैं वो ऐसे ही 14,000 से 15,000 के लगभग होने वाले हैं। इसके प्राइस मेरे ख्याल से 14,990 या 14,999 के आसपास होंगे इसके प्राइस। बात की जाए अब इसके रिलीजिंग डेट की, तो इसकी रिलीजिंग डेट है वैसे तो चाइना में तो ये 5 जनवरी को रिलीज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे 5 जनवरी को नया साल होता है, वहाँ का न्यू ईयर होता है, इसलिए वहाँ पे 5 जनवरी को ही लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि 1-2 महीने बाद ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, मतलब 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये लॉन्च हो जाएगा आपके यहाँ। और जो इसके प्राइस भी है मैंने बता दिए आपको, इसकी रिलीजिंग डेट भी बता दी, बैटरी बैकअप भी बता दिया। आपको जो भी पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आप ये कैमरा ये मोबाइल लेंगे या नहीं लेंगे। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए आप एडूप और हमारी वीडियोस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।